उसको जलील करके मुल्क का नाम बदनाम करके आप ये करेंगे। पहली बात तो ये उस होटल से लीक जो हुई है, मैं कहता हूँ जी ये ओरिजिनल है। वो कह रही है मेरा मियाँ है, इससे मेरी औलाद हुई है और वो खत्म हुई वगैरह वगैरह। वो केस मेरी इत्तलात के मुताबिक आज भी कोर्ट में जिंदा है। वो केस रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये वीडियो बाबर आजम की है, ये पिक्चर भी बाबर आजम की है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उस पिक्चर में या कोई 10 सेकंड की वीडियो देखा आपने? लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिक बैट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान से एक बड़ी खबर अभी भी निकल के आई है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टन बाबर आजम की एक वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है, पूरी दुनिया में उस वीडियो आग की तरफ फैल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को देख पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं कि किसने इस वीडियो को इंटरनेट में वायरल किया है और साथ ही पीसीबी इस वीडियो को लेकर क्यों चुप बैठी है। इस बारे में आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलो दोस्तों इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते जानते हैं। कहने की बात ये है कि पहली बात बेसर पैर की कहानी है, कहां है, कौन है वो लड़की, सामने आया कोई इस बात पे? ये गलत तरीका है यार। यार देखिए मेरे इंसान है वो, हम उसकी क्रिकेट पर बात करते लेकिन वो इंसान है। अगर कोई ऑथेंटिसिटी है लाइक हमजा केम आउट, वो लड़की जो आई थी कि मेरा मियां है, वो कहानी ऐसी थी कि उसमें आपको खामोश रहना था, सबको खामोश रहना था कि वो कह रही है मेरा मियां है, इससे मेरी औलाद हुई है और वो खत्म हुई वगैरह वगैरह। वो केस मेरी इत्तलात के मुताबिक आज भी कोर्ट में जिंदा है। वो केस खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। कई है, कई स्कैंडल है और कुछ अच्छे होते हैं जैसे विराट वगैरह, उन्होंने शादियां कर ली। कईयों की अगर आप और पीछे जाए रवि शास्त्री के दौर से क्रिकेटर्स, संदीप पटेल के दौर से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स देख लें, ये मोहसिन हसन खान, इमरान खान, तो आपको बहुत सारे स्कैंडल। बात स्कैंडल की नहीं है, बात ना तो ये है कि बाबर आजम नीट एंड क्लीन है, ना ये है कि बाबर आजम जो है वो फुली इन्वॉल्व है। एक नहीं कई केसेस आए हैं, इसके कोई नई बात नहीं है। बात रिजवान हैदर, इस वक्त जो एक कंपेन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसको आशीर्वाद हासिल क्यों है? अगर आपने अपना कप्तान हटाना है तो पूरी दुनिया में उसको जलील करके, मुल्क को जलील करके, मुल्क का नाम बदनाम करके आप ये करेंगे। पहली बात तो ये उस होटल से लीक जो हुई है, मैं कहता हूं जी ये ओरिजिनल है, एक सेकंड के लिए बिल्कुल जेन्युइन है वीडियो, हुआ कैसे? देखे ना ये कोई मजाक है? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये वीडियो बाबर आजम की है, ये पिक्चर भी बाबर आजम की है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उस पिक्चर में या कोई 10 सेकंड की वीडियो उसमें कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा है? शर्ट लेस से बाबर आजम ने शर्ट नहीं पहनी हुई है, क्या गुनाह कर दिया शर्ट नहीं पहनी है? मैं भी रात को लेटता हूँ, मैंने भी शर्ट नहीं पहनी होती है, इसमें कोई मर्द है भाई, हम औरत तो है नहीं है, तो इसमें कोई नहीं है। वो वीडियो भी बाबर आजम की है, वो पिक्चर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शक वाली और गलत बात यह है कि उसके साथ जो इल्जाम लगाए गए हैं वो भाई झूठे हैं, बेबुनियाद है, ये बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।